हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबके लिए फिर से मैं सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज मेरे साथ प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा बेसिकली औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और इन्होंने अभी सीएमए क्वालिफाई किया है और इनका कैंपस में भी इनके पास ऑफर था, बट कुछ फैमिली रीजंस इन्होंने कैंपस के ऑफर को रिजेक्ट किया एंड ऑफ कैंपस में भी इन्होंने ऑफर सिक्योर किए। तो सुनते हैं प्रतीक्षा की स्टोरी कैसी लगी आपको इनकी जर्नी। जरूर आप कमेंट करके आप बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाय प्रतीक्षा, हाउ आर यू, कैसे हो आप? फाइन सर, बहुत अच्छा। तो अभी आप सीएमए भी बन चुके हो, आपके पास ऑफर्स भी हैं एंड आप कुछ दिन में आप नई कंपनीज भी आप ज्वाइन करोगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो लाइक आफ्टर मैरिज आपने सारी अचीवमेंट आपने हासिल की है, तो इसमें एक होता है ना, शादी के बाद जनरली लड़कियां ये सोचती है कि शायद मैं अब उस लाइफ को फिर से ना जी पाऊं या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाऊं। तो बट आपकी जर्नी कैसी रही? सर मैं सीएमए करना, ये तो मेरा ड्रीम था, इसलिए मैंने शादी के बाद भी मेरा पूरा कंटिन्यू रखा सीएमए। बिकॉज मीन्स सीएमए इट्स माय ड्रीम, सो मीन्स आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय सीएमए। एंड सो मीन्स मैं वो पैशन नहीं छोड़ा और उसे कंप्लीट करते रही। इसमें मेरा फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था सर। मीन्स बिफोर मैरिज मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और आफ्टर मैरिज मेरी सिस्टर, तो पूरी फैमिली मेरे साथ थी, इसलिए वो सब मैं सीएमए जर्नी कंप्लीट मैं कर पाई। ओके ग्रेट। एंड देन आप भी मेरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो बिकॉज आपने मेरे पहले कोर्सेज भी आपने ज्वाइन किए थे और फिर आपने कैंपस के यस लिए भी मुझे ज्वाइन किया। तो लाइक कैसी रही आपकी जर्नी मेरे साथ? सर, आपके साथ तो मीन्स मेरी सीएमए मीन्स आफ्टर सीएमए बहुत मस्त जर्नी रही, फंटेस्टिक। मीन्स आपके कोर्स के वजह से मैं इतना मीन्स कॉन्फिडेंट इंटरव्यू फेस कर पाई। सारे इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू, जो आपने पूरा मीन्स पूरी तैयारी करवा के लिए हमारे से, जो जीडी सेशन मीन्स जो भी टाटा का जो सॉरी महिंद्रा का, टेक महिंद्रा का जो जीडी का सेशन था मीन्स वो कर पाई, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये हुआ था। मैं जीडी में बोल पाई और आपके वजह से बोल पाई, मीन्स मेरे लिए तो बहुत वो जो ये था क्षण था, बहुत अच्छा मीन्स बहुत मोटिवेट था सर। और जो भी आपने मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो भी जीडी सेशन लिया है, 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक दिए है, जो मॉर्निंग में आपने हमारे से प्रैक्टिस करवा ली है, बहुत फैंटास्टिक सर। आपने हमारे साथ, आपने ज्यादा हार्डवर्किंग की, एक्चुअली हमारे से ज्यादा तो आपने किया है। मेरा बस ड्रीम था कि सारे बच्चे जो अपने लाइक एक बीस से एक एम्बिशन लेके अपना मेरे साथ आए, तो मैं उसमें मेरे साइड से कोई कमी ना रहे, कल को कोई ये आके ना कहे कि सर आप अगर ये करवाते तो कुछ और अच्छा हो जाता। तो इसलिए मैंने पूरा कोशिश किया आप सबके लिए। ओके अच्छा, एक मोमेंट जो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, लाइक जब आप सीएमए क्वालिफाई किया, आपका रिजल्ट आया था और आपने वो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड देखा, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए और वो दिन कैसा रहा आपके लिए और जो रिजल्ट का दिन सर, या जो रिजल्ट का दिन था? मैंने मिस लिटरली लैपटॉप्स मिस मेरे भगवान के सामने ऐसा लैपटॉप खोला और रिजल्ट देखा, मिस हम तो इतने खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि सब रिजल्ट देके मैं सीएमए पास हो गई। क्योंकि इसके मिस सीएमए के लिए मैंने इतना हार्ड वर्किंग किया है, इतना मीन्स मैंने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज किया है, सारे फैमिलीज फंक्शन फैमिलीज को कॉम्प्रोमाइज किया है। जितना मेरे सन के मीन्स उसको ध्यान देना चाहिए था उतना मैंने उस पर नहीं दे पाई और सब मेरा फोकस सीएमए पे रहा। तो जो मोमेंट था मीन्स पूरे मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट था वो पास होना। राइट हम लाइक हमेशा हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं बट सक्सेस के पीछे भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस सीएमए जर्नी आपने जैसे बताया कि आपने अपने बच्चों के ऊपर इतना टाइम आप नहीं दे पाए, आप अपने पढ़ाई के ऊपर आप फोकस थे, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा भी आपके और भी सेक्रीफाइजेस रहे होंगे आपकी जर्नी में जो आपने किए होंगे। कुछ और आप बताना चाहते हो कि और लोगों को इससे समझ में आए कि लाइक हर किसी की लाइफ एक चैलेंजिंग है, तो आपके लाइफ में और क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो जो भी मीन्स वो पूरा फैमिली मैनेज करके, ट्यूशन जाना, लेक्चर्स करना, लाइब्रेरी में जाना, फिर घर पे उतना ध्यान नहीं दे पाना, फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब होना, मीन्स वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने फैमिली से दूर होके उतना टाइम उनको डिवोट ना करते हुए मेरे स्टडी को डिवोट करके वो पूरा अचीव करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था।
या ये तो सही बात है, आप सही। अच्छा, आपके सीएमए में क्या अटेम्प्ट्स भी आपको लगे या फिर आपका पेपर वन शॉट में हुआ? सर अटेम्प्ट तो लगे मुझे, और बीच में गैप भी हुआ आफ्टर कोविड। सबसे बड़ा गैप तो मेरा इंटर के बाद हुआ, क्योंकि फोर्थ ग्रुप मेरा 2018 में ही पास हुई थी, लेकिन बाद में जो कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, और फाइनल का थर्ड ग्रुप के लिए ज्यादा ये लगा, ज्यादा मुझे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा सा। अच्छा, स्ट्रगल आपने करना सीएमए पड़ा है। आपने कब स्टार्ट किया था? 2015 के आसपास? नो सर, 2011। अच्छा, 2011 के आसपास आपने सीएमए स्टार्ट किया। आपके रिज्यूम में एक्सपीरियंस भी है, तो आपने 2011 में अपने सीएमए फाउंडेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइट? यस ओके, सो फिर आपका ये गैप जो था, आपने कब पढ़ाई को डिसकंटिन्यू किया था? जैसे भी मेरे 2011 में फाउंडेशन पास हो गए, बाद में शादी हो गई, फिर शादी के बाद मैंने इंटर का फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की तैयारी तो चालू ही रखी थी, और 2013 में मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, 2015 में फिर सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ, और आर्टिकलशिप स्टार्ट की। फिर आर्टिकलशिप तब तो मेरा ऑब्जर्वेशन था, 1.5 इयर्स का ही था, तो फिर मैंने आर्टिकलशिप मेरा सब कोई सब मैनेज करके आर्टिकलशिप किया। फिर उसके बाद फिर मैंने एक CNN एसोसिएट फर्म ज्वाइन की, और उसके बाद एक एक फॉर्म में मीन्स उसके साथ एक्सपीरियंस भी लेना मुझे जरूरी लग रहा था, तो मैंने एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाई भी की, फैमिली मैनेज किया, मीन्स इसके वजह से भी थोड़ा गैप हुआ तो या ऐसा कोई मीन्स। नहीं। सो 2011 में आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, एंड 2014 सॉरी 2024, इट मीन्स ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गया। फिर भी आपने सीएमए क्वालिफाई भी किया है, एंड इनफैक्ट आपके पास अभी जॉब ऑफर्स भी हैं। कहीं ना कहीं बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा इतना टाइम हो गया तो क्या कुछ होगा। इवन आपके पास कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग भी आपके पास थी। कितनी कंपनीज में आपको शॉर्टलिस्टिंग मिली थी? सर शॉर्टलिस्टिंग दो कंपनी में मिली थी, दो और कंपनीज में उसमें आपके, शार्प शार्प एंड टेनन में आपका सिलेक्शन भी शार्प हो गया था। इन वडोदरा प्लेस देने की वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया। हाँ, वो बड़ोदरा थोड़ा सा आउटसाइड लोकेशन था, और आप बिथ इन महाराष्ट्र, पुणे और मुंबई लोकेशन ही आप जॉब सर्च कर रहे थे। तो कोई यस नहीं, अभी तो आपको आपके लोकेशन की जॉब मिल गई है। यस यस, अच्छा, इसके वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि मेरे औरंगाबाद लोकेशन में मिल गया है। अच्छा, मैंने आपको इंटरव्यू में अभी आपको रिसेंटली मैंने आपको जैसे ट्रेनिंग दी थी सैलरी निगोशिएशन के ऊपर ऑफ कैंपस में, और लाइक मेरे सेशंस से आपको कैसे हेल्प किए सैलरी निगोशिएशन में, जस्ट इन शॉर्ट? मीन्स मेरे लिए वो जो सैलरी निगोशिएशन का जो सेक्शन था, मीन्स उस दिन का सेक्शन मेरे लिए सबसे बड़ा, पूरे सेशन से सबसे बड़ा अच्छा सेशन रहा, क्योंकि उसी दिन मुझे सैलरी निगोशिएशन करने का काम ऑप्शन मिला। मीन्स ऑप्शन हाँ, ऑपर मिला। पूरे हाँ जो आपने पॉइंट्स बोला था, वो पूरे पॉइंट्स बोल के वो सब कुछ इंटरव्यूअर भी, और मीन्स वो भी ये हो गया, मेरे जो पॉइंट सरप्राइज हो बोला था गया। मैंने वो एग्री हो गया। हाँ यस, सरप्राइज भी हो गया, और मेरे पॉइंट से वो एग्री भी हो गया, जो आपके पॉइंट्स थे वो सारे वो अग्री हो गए उसके साथ, तो बहुत अच्छा रहा सेशन। अच्छा, लाइक जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो आपकी इस वीडियोज को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी जर्नी से? सीए आप जो भी कोर्स कर रहे हो, CMA कर रहे हो या CA कर रहे हो, उसे छोड़ो मत, उसे पैशनेट से करते रहो, और जो भी मीन्स अपना डेडिकेशन और पैशन बहुत जरूरी है उसके लिए। मीन्स आपने थोड़ा सा भी हार मान ली तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं सर लिटरली मैं मेरे साथ वो जी रही थी, CMA में जी रही थी, क्योंकि मैं एक आधा जॉब में ज्वाइन भी कर लूँ ना तो मैं एक आधा साल मेरे फाइनेंशियल नीड के लिए मैं कर लेती थी, लेकिन मैं फिर से लगता था यार मैं एक ही ग्रुप बाकी है, मैं क्यों छोड़ दूँ। मिस बहुत टाइम ऐसा मन में आया भी, लेकिन नहीं वो मिस नहीं छोड़ा, और मैं कंटिन्यू रखा। सिर्फ अपना कंटिन्यूएशन और अपना पैशन और डेडिकेशन इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर डेयर। अच्छा, लाइफ में कभी कोई पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे आप लाइक काफी स्टक अपने आप को फील कर रहे थे कि नहीं यार, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आई थिंक अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ कभी फील हुआ? हो रहा था सर कि जब मीन्स ऐसा दोनों चूज करना पड़ रहा था, कभी कभी फैमिली और अपना एजुकेशन, तब ऐसा कभी लग रहा था मीन्स छोड़ दो अभी नहीं वो, क्योंकि फैमिली भी डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, सब ये हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था छोड़ दो अभी और जो है वो कंटिन्यू करो, लेकिन फिर से कोई ना कोई आता था और मोटिवेट करता था, प्रतीक्षा तू कर।
तो वो फिर से स्टार्ट करती थी और फिर से और स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं कि हर एक सक्सेस पर्सन के पीछे किसी एक लाइक उसके वाइफ या उसके फैमिली एक लेडी का हाथ होता है, तो क्या आपके सक्सेस के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है? तो सबका ही हाथ है, सिर्फ उनका ही नहीं, सबका है, पूरे फैमिली का हाथ है। तो ओके उनके अकेले को नहीं, मैं ही देवर, सब पूरे फैमिली का हाथ है, सबने सपोर्ट किया है, सबने। ओके सो ग्रेट, आप अच्छी बात आपने कहा, सारे फैमिली सपोर्ट करती है तभी हम चीज़ें कर पाते हैं। हाँ, एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं कहने से आपको मेंटल सपोर्ट तो चाहिए होता है। सो काफ़ी अच्छी बात है, आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। और आप, आपकी शादी कब हुई थी, और मतलब कितने साल हो चुके हैं आपकी शादी को? ऑलमोस्ट 12 12 ईयर्स आपकी सर। शादी के, मतलब आप ओके, आपने 2011 में आपने CMA स्टार्ट किया था, तो जस्ट और सी एम ए 2013 स्टार्ट करने में के बाद शादी दो, हुई, फिर अच्छा शादी, फाउंडेशन पास हुआ था। ओके ओके एंड देन फिर आपने पूरी CMA जर्नी आपने आफ्टर मैरिज आपने कंप्लीट की, तो काफ़ी लाइक चैलेंजिंग मोमेंट था आपके लिए लाइफ के। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि अब आप लाइफ में वो सारे जो भी चैलेंजेस थे, जो भी हार्ड वर्क थे, आपके फैमिली ने जो आपके लिए स्ट्रगल किया, आई थिंक सब आप पे ऑफ कर सकते हो अपने फैमिलीज को, उनको मतलब ऐसा तो नहीं कंपनसेट कर सकते हो, बट हाँ कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ गिफ्ट्स आप उनको दे सकते हो, वो काफ़ी अच्छी बात है। मेरे कुछ पापा और? का तो बड़ा ड्रीम था सर कि मेरे बेटी ने उस CMA पास करना, उनका सबसे बड़ा ड्रीम था। जब मैं फाउंडेशन पास हो गई थी तो उनके आंखों में से आंसू आ गए थे सर, वो इतना बड़ा मिस सर, एकदम प्राउड फील कर रहे थे कि तूने फाउंडेशन क्लियर, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, देखो सक्सेस हर किसी को मिल सकती है, सब्जेक्ट तो उसके ऊपर काम करते रहे। सबसे अच्छी बात आपके अंदर ये है, आपकी क्वालिटी, कि आपने हार कभी नहीं माना, आप कंटिन्यू रहे। इवन मैं क्लासेज में भी आपको देखता था कि आपके अंदर जैसे होता है ना कि हम एक अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम नहीं बोल पाते तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, बट आप ऐसा नहीं करते थे। अगर आपको नहीं आता है बोलने, फिर भी आप कोशिश करते थे कि नहीं मैं बोलती हूँ, कुछ गलती तो होगा, तो ट्राई करने की जब भावना आपके अंदर रहेगी ना, आप लाइफ में हमेशा सक्सेस करोगे। इस चीज को आपको आगे भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी एक न्यू जर्नी फिर से आपकी स्टार्ट हुई है एज ए CMA, तो आपको अभी फिर से बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत ज्यादा अच्छे करना है, अभी यहाँ से तो स्टार्ट हुई सर। या तो आप लाइक स्टूडेंट्स को सजेस्ट करो कि CMA कोर्स करने के लिए? यस एब्सोल्युटली सर, CMA तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है और ड्यूरेशन भी सबसे कम है, मीन्स बहुत सारे बच्चे अभी बहुत कम टाइम में उसे अचीव कर कर सकते लेते हैं, हैं। तो कर लेना, मीन्स बहुत कम टाइम, ज्यादा पढ़ाई करके कम टाइम में CMA बन जाना चाहिए, और आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है वो, मीन्स और आफ्टर CMA आपका मेंटरशिप लिया तो उनके लिए जॉब तो मीन्स मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना अच्छा जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है जो आपका कोर्स का, बहुत बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और है, लाइक बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स मेरे पास आती है क्लास 11 12th के बाद, और वो ये सोचती है कि हमें CMA करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ मिस गाइडेंस भी है, लोग उन्हें गाइड ये करते हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए CMA कोर्स सेफ नहीं है, आपको लाइक फैक्ट्री या आउटसाइड लोकेशंस पे ज़्यादा जॉब मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए CMA कोर्स सेफ है, उन्हें करना चाहिए CMA कोर्स? यस सर, CMA कोर्स ऐसा थोड़ी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम CMA काम कर सकते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम कर सकते हैं। मिस बिकॉज आपने बोला था, मैं ज्यादा मुझे ऐसा लगता था कि हमने हाँ मेरा मिस मैन्युफैक्चरिंग में ही करना चाहिए, लेकिन आपसे मैं आपकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करना है, आपको बहुत सारे रास्ते ओपन है, तो आप काम कर सकते हैं और मैं आप सबको बता दूं, प्रतीक्षा के सेफ। पास लाइक ऐसा नहीं कि उन्होंने CMA कोर्स में ज़्यादा टाइम लिया, बट सी हैज ऑल्सो 5 years+ एक्सपीरियंस, इन्होंने साथ के साथ जॉब भी कंटिन्यू रखा था, तो इनके पास एक्सपीरियंस भी है इनकी जर्नी में, और उससे ये बता रही कि आप एज ए फीमेल स्टूडेंट भी आप CMA कोर्स को आप कर सकते हो। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि CMA सिर्फ फैक्ट्री तक ही लिमिटेड है, आज के टाइम में CMA कोर्स के लिए बहुत वाइडर स्कोप है, तो आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो।
थैंक्स प्रतीक्षा आपको अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए मेरे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। बहुत सारे बच्चे आपकी स्टोरीज देखेंगे एंड मोटिवेट होंगे। होप सो कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट्स लेते रहे और कनेक्टेड रहे। कभी भी कुछ लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। यस सर, थैंक यू मीन्स आपने मुझे चांस दिया मेरे सक्सेस स्टोरीज सबको मिस पहुंचाने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपने मुझे चूज किया उसके लिए, सबसे मीन्स आपका बहुत बड़ा थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।